नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक और स्वयंसेवक संगठन, जो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का पैतृक संगठन माना जाता है, जिसका हमेशा से ध्येय रहा है हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण करना और भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखना, जिसके लिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में अपने विद्यालय भी चला रहा है, जहां बच्चों को विद्या दी जाती है। लेकिन अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि अब आरएसएस ने हायर एजुकेशन फील्ड में भी एंट्री मारने की पूरी तैयारी कर ली है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP एक ऐसे वेद विद्यालय का निर्माण करने जा रहा है, जहाँ वेदों की पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए गुरुग्राम में करीब 40 एकड़ जमीन ली गई है। यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल के नाम पर, और सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो संभव है कि 2020-21 एकेडमिक ईयर से ही सिंघल वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन भी शुरू हो जाए। इस विश्वविद्यालय को लेकर प्लान कुछ ऐसा है कि पहले 5 साल में 52 करोड़ रुपए इस विश्वविद्यालय पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें अभी शुरुआत में सिर्फ 2.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में निर्माण किया जाएगा, और जब तक परमानेंट कैंपस नहीं बन जाता तब तक गुरुग्राम के सेक्टर 56 में टेम्परेरी कैंपस शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि अब इस काम में आरएसएस और VHP किसी भी तरह की देरी करने के मूड में नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द सिंघल वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत करना चाहती है। क्यों खास है सिंघल वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय? इस विद्यालय का फोकस आधुनिक और वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होगा, जहां सर्टिफिकेट कोर्सेज के अलावा डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्सेज भी ऑफर किए जाएंगे। एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाएगी। बॉटनी, एनवायरमेंट साइंस, हर्बल साइंस, धर्मशास्त्र, मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भूकंप विज्ञान, वॉरफेयर जैसे विषयों में विद्यार्थियों को पारंगत किया जाएगा। इसके अलावा यहां आयुर्वेद, पतंजलि योग, नाट्य शास्त्र और फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज भी ऑफर किए जाएंगे। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का नाम ही वेद से शुरू हो रहा है, तो यहां पूरा वैदिक वातावरण देने की कोशिश की जाएगी। सिंघल वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कैसा होगा वातावरण? संघ के एक नेता के मुताबिक शुरू में वेद फैकल्टी, शिक्षा, व्याकरण फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी और टेक्नोलॉजी फैकल्टी होगी। कुछ क्लासेस पेड़ के नीचे लगाई जाएंगी, जहां पर पेड़ों की अहमियत समझानी होगी, पेड़ों के समूहों के बीच, और सुबह और शाम के वातावरण को शांत करने के लिए कैंपस में उपनिषद और गीता के श्लोकों की गूंज सुनाई देगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के प्रेमिसेस में शराब, नशे का सामान, ई वेस्ट, प्लास्टिक, तंबाकू और जंक फूड पूरी तरह से बैन होगा। ये एक तरह से बोर्डिंग कॉलेज होगा, जहां विद्यार्थियों के लिए जरूरी होगा कि वो नियमित रूप से प्रार्थना, शारीरिक व्यायाम, बागवानी, नैतिक शिक्षा और सात्विक आहार ग्रहण करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ विद्यार्थियों के लिए रहना, खाना, पढ़ना सब मुफ्त होगा। जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों की भी मदद की जाएगी और यहाँ सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब का आरक्षण होगा। क्या है सिंघल वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मकसद? इस यूनिवर्सिटी के निर्माण का मकसद है देश में वैदिक संदेश का संचार करना, देश में शांति और सद्भावनापूर्ण समाज का निर्माण करना, साथ ही समाज को वेदों में वर्णित वैज्ञानिक ज्ञान के जरिए वैज्ञानिक पद्धति से जीवन जीने के लिए बढ़ावा देना। संघ के एक नेता के मुताबिक आधुनिक वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजिस्ट और पारंपरिक वैदिक पंडितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना भी इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के पीछे का अहम मकसद है। तो देखा आपने, जल्दी आरएसएस से जुड़े संगठन VHP की तरफ से शुरू की जा रही यूनिवर्सिटी किस तरह भारत के स्टूडेंट्स को, भारत के युवाओं को एक बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि VHP की यूनिवर्सिटी का प्लान कहां तक कारगर साबित हो पाता है।